एक्चुअली हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने फैमिली के साथ में। कल जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम जाएंगे घूमने के लिए, तो अभी शाम के वही 6 बजने वाले हैं और हम दर्शन करके रिटर्न वापस आएंगे और देखते हैं आज मंदिर में, और कोशिश करेंगे कि सारा का सारा वीडियो कवर करें। तो ठीक है, अभी तो हम रास्ते में हैं, पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो ठीक है इंतज़ार करते हैं दर्शन का। हाय, तो फाइनली हम मंदिर आ गए हैं, काली माता मंदिर दिल्ली में। कुछ ये इस तरह से शो करता है जहाँ पे जीना है, और हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सारे दर्शन हम करेंगे आज और सब कुछ देखते हैं। ये कुछ ऐसे दिखाई देता है, बाद में ये मंदिर कुछ ऐसे शो करता है। तो ठीक है, और आज हम सारा वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई रोकता है तो बंद कर देंगे। वाह, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी दर्शन करें काली माता का। गुड, तो हम ब्लॉग को अब इसका जो पीछे वाला कैमरा स्टार्ट करते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से देख सकें हैं। तो थैंक यू, दर्शन आप भी करना, कोशिश पूरी रहेगी। तो मंदिर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वाह। यहाँ पे कुछ पार्क वगैरह है, हालांकि बहुत कम सारे लोग हैं। तो ओह, यहाँ पे काली माता का गूगल पे भी है, यहाँ पे जो लोग कुछ पैसे भी पे कर सकते हैं। ये देखो, थैंक यू। तो बहुत ही अच्छी बात है, दान लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और घूमने की जगह कुछ यहाँ पर ऐसी है, तो ये मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है, बड़ा सा खुला खुला सा आत्मा। और चलो दर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ, हम दर्शन के लिए आ गए हैं। चितरंज पार्क काली मंदिर सोसाइटी का वो है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो आपके दर्शन कराता हूँ। तो वो रही अपनी काली माता जी, दर्शन कर लो यहीं से। वाह, जय माता रानी। ठीक है, अभी मोर पे अंदर चलेंगे। जय काली माता। वाह, ये मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो ये पार्क, ये आता है दिल्ली सिटी में, हम अभी दिल्ली सिटी में हैं। तो इस मंदिर के लिए हम वहाँ से यहाँ तक आए हैं। तो इधर महादेव का भी मंदिर लगता है, कि यहाँ पे महादेव जी भी हैं। तो वाह, यहाँ पे मेरे महादेव बाबा जी हैं। तो अब आपको मैं, वाह मेरे महादेव, चलो दर्शन कराते हैं आपको महादेव जी का। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे महादेव जी भी आपको मिलेंगे। ये देखो, आज के ब्लॉग में मैं आपको महादेव का जी का दर्शन कराऊंगा। ये हमारे उनकी सवारी है, जैसा कि आपको बताते हैं। तो दर्शन इनका भी करिए, जय महादेव बाबा। तो थैंक यू, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, जय महादेव। यहाँ पे दर्शन लोग करते हैं, है ना, कमाल की चीज। तो आज चलो यहाँ पे तो हम आ ही गए दर्शन करने के लिए,
वाह, जय महादेव। ये मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वाह, दर्शन तो होते रहेंगे। जय महादेव, हर हर महादेव। ये गणेश जी हैं जिनके हाथों में ये गदा है, और ये कौन से गॉड हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। वो ऊपर मेरे महादेव जी हैं। महादेव जी, देखा तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देता है। ये यहाँ पे भोले बाबा जी का वो बना हुआ है त्रिशूल, देखा। और ये गणेश भगवान जी का रैट फूल, तो हम आज सारा कवर करेंगे जितना हो सकेगा। तो हो सके तो दर्शन करते रहें। और यहाँ पे अपनी काली माता मंदिर है जिनका दर्शन के लिए हम आए थे। वाह, ओह, सबसे प्यारे भक्त यहाँ पर हैं जो काली माता के लिए। वो ये रही अपनी काली माता मंदिर, देखो दर्शन कर लो, कुछ तो लाया नहीं फूल वगैरह। तो उम्मीद है आपने सारे वीडियो देखे, और यहाँ पे लोग दर्शन भी करने आते हैं। तो सामने अपनी काली माता मंदिर है, और यहाँ पर लोग बैठते भी हैं, इतने सारे लोग आए हैं दर्शन ना। ये दिल्ली में काली माता मंदिर काफ़ी फेमस है, है कमाल का। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अभी, तो मेरा ये पहला ब्लॉग है, कैसे बात करते हैं क्या करते हैं ये तो मुझे धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। बट उम्मीद है कि ये सारी मंदिर आपने देखे होंगे। तो काली माता का मंदिर, उधर महादेव जी का मंदिर, और एक उधर भी मंदिर है, हम उधर भी चलेंगे देखने के लिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे प्यूज़ करता हूँ। तो आपको बता दूँ, यहाँ पर शायद राधे कृष्ण जी का भी मंदिर है। तो फिलहाल अभी तो मैंने दूर से ही देखा है, पर यहाँ पे राधा रानी भी हैं, तो हम राधे रानी का भी दर्शन करने चलेंगे। तो चलते हैं राधे रानी का दर्शन करने। तो हम पीछे करते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा ना। तो बता दूँ, फाइनली ये राधा रानी जी का मंदिर है। वाह, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। वाह वाह कि मैं सुदर्शन वाले बाबा, कसम से। तो आज ये सारे दर्शन होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा दर्शन करें। ये राधे रानी जी हैं, और ये देखो यहाँ पे एक बेल भी लगा हुआ है। चाहे यहाँ पे पैसे भी पे कर सकते हो, ये देखो गूगल पे चितरंज पार्क काली माता मंदिर। वाह, देखो ये अपने राधे रानी जी हैं, मेरे महादेव। तो सारे दर्शन तो हो गए ना। तो उम्मीद है आप लोगों ने दर्शन किए। वाह, कितना अच्छा इधर मौसम है। और ये दिन मेरे को याद रहेगा कि हम दर्शन के लिए आए थे, और ये मेरा पहला ब्लॉग गॉड जी के लिए निकला। और मैं ये नहीं कहता कि आप, आजकल हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदुस्तान में कई धर्म हैं, तो ये वीडियो तो पर्सनली मैं अपने लिए बना नहीं रहा हूँ। तो मैं ये भी नहीं कहता कि मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं हिंदू धर्म की ही बड़ाई करूँगा, बट ऐसा नहीं है। सारे धर्म अपनी जगह पे विद्यमान हैं, और जैसे हमारे गॉड वैसे आपके गॉड सारे एक ही हैं, और आप उन्हें हर तरह से मानते हैं। तो हमें जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो यीशु मसीह जी हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, हम हर जगह जाएंगे
ठीक है, जितना मुझसे कवर हो पाएगा हम करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने खुद बनाई है। तो मतलब हमने क्या, ये बहुत समय पहले के लोग थे और हम तो बस उनकी जनरेशन है जो आगे आगे चल रहे हैं। तो देखा आपने, राधा रानी का भी दर्शन किया और ये कुछ फुल व्यू में ऐसे दिखता है। तो पहले लोग कहते थे ना कि उधर से कुछ रास्ते थे जहाँ से लोग पहले दिखाया, जो मैंने नेट पे देखा था ना, वो कुछ पीछे से लोग दिखाई देते थे। तो वो पीछे से तो है नहीं। तो पहले लोग कहते ना कि वहाँ से पीछे से एक रास्ता था, जिस रास्ते से लोग आते थे इस पार्ट में, वो रास्ता नहीं है, ये तो बंद हो गया पीछे वाला। तो कुछ ही बच्चे भी इधर हैं और नीम की पत्तियाँ भी बहुत सारी दिखती हैं। तो उम्मीद है, कितना सुहाना है ना भारत का ये दिल्ली सिटी, कैसे बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आप लोगों से सीखूंगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है व्यूज जो मैंने गूगल्स पे देखा था, हालांकि किसी ने तो मना नहीं किया और ऐसा लगता है कि ये पूरा शो करेगा। तो ठीक है, इसे हम डालेंगे अपलोड करके पूरा। तो हो सके दर्शन आपने कर लिया, तो उधर महादेव जी हैं हमारे, जिन्हें हम ज़्यादा मानते हैं, और काली माता की भक्त तो हमारी मम्मी जी हैं, जिनको हम यहाँ घुमाने के लिए लाए थे। काली माता मंदिर यहाँ पर हैं और जिन्हें हम मानते हैं वो हमारे महादेव जी हैं। और अगर आप राधे रानी जी को मानते हैं तो राधे रानी जी उस वाले में हैं, लेफ्ट में राधे रानी हैं और बीच में हमारी काली मैया हैं, और सबसे उस वाले राइट लेफ्ट में, अगर ऐसे में खड़ा होता हूँ मैं स्ट्रेट में, तो लेफ्ट में मेरे महादेव जी हैं, उधर महादेव की पूरी फैमिली है। बट एक बात है ना भाई, इधर आके ना बहुत सुकून सा मिल रहा है, ऐसा लगता ना कि जो फील है ना वो फील मिलता है। चलो ऐसे तो देखा जाए, मैं हिंदू धर्म से हूँ और हिंदू धर्म में आया हूँ, तो जो मुझे फील मिला है, तो अब रही बात ना, अब ऐसे मैं मस्जिद में भी जाऊँगा, देखता हूँ कि वहाँ पर कौन सा फील मिलता है। तो क्योंकि अब शुरुआत किया हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग को ये व्यूज़ मिले, व्यू मिले, सब लोग देखें। तो मैं चाहता हूँ कि कोई नफ़रत ना करे यार, अगर मैं मस्जिद में जाऊँ या फिर मैं गुरुद्वारा में जाऊँ या मैं चर्च में जाऊँ, मैं बस एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग खुश रहें। तो हालांकि फिनिश करते हैं, मम्मी यहाँ पे राधा रानी है, राधा रानी। तो ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा ना हम पीछे वाले भी कर लेते हैं, नहीं तो हम ही दिखते रहेंगे। तो बाहर तो मुझे कोई ऐसा तो दिखा नहीं कि हम जैसे, पर एक बात है ना, उसे तो आप जानते होंगे ना, वो ऊपर वाला क्या है, तो सबसे ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। दिल्ली सिटी में लोग कहते थे कि इसके अंदर पानी भरा जाता है, जो पानी रहता है वो छोटे छोटे कॉलोनियों में पानी जाता है, तो ये वहाँ के लिए है। तो दिल फिर से मैं आ गया महादेव की तरफ, तो लेफ्ट में महादेव जी, बीच में काली मैया, राइट में वहाँ पर हैं। वाह, थैंक यू। तो हम वीडियो बंद कर रहा हूँ थोड़ा सा, थैंक यू। तो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को अपलोड करूँ, छोटा नहीं हो रहा ये। तो इसका कुछ यहाँ पे लोग ऐसे भी आते हैं, कुछ बाहर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, मेन गेट उसका उस साइड में है, यहाँ पे रिसेप्शन लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर पहली बार आया, कभी वो नहीं हुआ था कि मुझे कैसे आना। हाँ, ये रहा मेरा रिसेप्शन, उल्टा लिखा हुआ है पर इसमें सो उल्टा कर रहा है। पर एक बात है ना, यहाँ पे हर जगह आपको गूगल पे मिलेगा, वो भी नीचे पेटीएम है, देखो पेटीएम नीचे है, फोन पे, गूगल पे। तो थैंक यू राधा रानी जी, थैंक यू सो मच काली माता जी, थैंक यू सो मच मेरे फेवरेट महादेव जी। महादेव जी मेरे उस वाले में रहते हैं, वहाँ महादेव जी हैं, यहाँ पे काली माता हैं, इस पार्ट में राधा रानी जी हैं, जिनके हाथ में सुदर्शन का चक्र बना हुआ है,
माँ कसम बहुत स्वभाव के शांति वाले हैं, चक्कर भी छोड़ देते हैं। तो फाइनली घर जा रहे हैं, जाने का तो दिल नहीं कर रहा है, सोचता हूँ कि यहीं पे रहूँ कुछ देर तक, बट क्या करूँ, फैमिली के साथ आया, जाना तो पड़ेगा पड़ेगा। तो पीछे की तरफ देखो, एक अम्मा भी आ रही हैं दर्शन करके आज माने। जाने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा, बस क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ना। दो लोग और भी साथ में हैं, हमारी फैमिली है, अब उनका साथ तो छोड़ नहीं सकता। कोई मेहमान भी आया है घर पे, सुना है कि ऐसा, तो थैंक यू। कई सारे गेट हैं कहाँ से निकलना है, बट जो मेन गेट था वो पार्क की तरफ से बंद कर दिया गया है, जहाँ से हम पूरा व्यू देखते हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय।